कैरी के ना खेलने पर भी और क्रॉन्टन के साथ खेलने पर 8 किल तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर ये गॉड लाइक टीम चिकन डिनर जीत जाती है तो भाई दिल से गॉड लाइक स्पैम हो जाना चाहिए चैट में गाइस। वो लोग पोचिंग गए और जेएसएल ने भी वहां पे सोच लिया कि हम लोग भी वहीं जाएंगे एंड वहीं जाते हुए दिख रही है गॉड लाइक। अब देखते हैं फाइट वहां पे क्या खिचड़ी पकड़ने वाले, बिकॉज पोचिंग में लूट वैसे लिमिटेड होती है और ऊपर से 3 टीम पहले रैंगल में कोई नहीं गया, तीसरे मैच में जेएसएल भी जा रही है, यहाँ पे ऑरेंज रॉक से चलो वाटर सिटी जा रही है, बाकी और 2 टीम कौन कौन सी है, गॉड लाइक तो जा रही है वहां पे पोचिंग की, और जोन भी बिल्कुल वहीं पे बना है जहां पे एग्जिस्ट ने पहला नॉक दिया रूथलेस को पिक ऑफ करके एंड यहाँ पे उनको नॉक तो कर लिया, क्या किल कंफर्म कर पाएंगे बहुत बड़ा सवाल है। बट यस यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे मेम ने नोवा को खिलाया, पूरे टाइम नहीं देखा बट वहीं पे एग्जिस्ट भी नॉकआउट हो चुके हैं। जेएसएल गॉड ने यहाँ पे अपनी एके से नॉकआउट किया बट स्मोकी ने कवर फायर देकर यहाँ पे रॉबिन गॉड को नॉकआउट करते अपनी यूएमपी से, पहले UMP 9 होती थी अब UMP 45 है, बिकॉज अब इसके अंदर 0.45 ACP बुलेट चलती है, तो ये काफी बड़ा टर्न था। पहले इसका पहले भी इतना ही रेट ऑफ फायर था बट अब थोड़ा डैमेज कम है, बट ये थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज यूएमपी को आप असॉल्ट राइफल से कम नहीं मान सकते, अच्छे रेंज में भी अच्छा डैमेज दे पाते हैं। यहाँ पे एग्जिस्टेंस को बचाना सबसे बड़ा जो रोल है अभी स्मोकी का है, बट उनको आसपास बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि उनको उसका भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पे रॉबिन गॉड है, रॉबिन गॉड की किल कंफर्म कर सकते हैं वो आराम से, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फाइनली यहाँ पे जेएसएल के जो रॉबिन गॉड का फाइनल गेम था यहाँ पे खत्म हुआ, काफी अर्ली एग्जिट लगा, इश खराब लगा, अफसोस, बट वहां से -40 भी आ रही है यहाँ पर और 3 टीमें हैं यहाँ पर जैसे केतन ने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, जेएसएल गॉड लाइक एंड -40। फैज ने यहाँ पे रूथलेस का किल कंफर्म किया, रूथलेस के लिए भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है और क्रॉन्टन हमें देखने को मिले हैं, फाइनली एक मौका मिला है यहाँ पर कि हमें क्रॉन्टन भाई चेतन देखेंगे और नेड मारा है स्टार्टिंग से, अगर नॉक हो जाते तो भाई दिल से गॉड लाइक हो जाता। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं बिकॉज जब से ये PMSC खेलकर आए ELG के साथ उसके बाद इन्होंने अपनी स्ट्रीम पे भी फोन से खेलना चालू कर दिया, परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स ने इनकी वीडियो शेयर करी है कि भाई एक एमुलेटर वाला प्लेयर इतना अच्छा खेला, बेहतरीन गिल ने आप फूजा को नॉकआउट किया एंड अब नए नए प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, ये फाइनल गेम है तो यहीं पर सारे एक्सपेरिमेंट दिखाने, बट मुझे नहीं लगता था कि मेहम को करना चाहिए था यहाँ पे, मेहम के लिए इंपॉर्टेंट गेम और लास्ट मोमेंट पे नोवा को लाना मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा मूव है, नहीं बिकॉज शैडो बिलीव क्लोक एंड आपस में वो अच्छा खेल रहे थे, बट गिल काफी क्लोज है, एक गोली काफी रहेगी यहाँ पे सूर्योपी को नॉकआउट करने के लिए एंड यस सूर्योपी कुछ भी करके इस सिचुएशन से बचने की कोशिश करें, उनके पास है S12 नहीं उनके पास S187 थी, बट वहीं पे गिल ने अपनी S686 से यहाँ पे उनको नॉकआउट कर दिया, तो जेएसएल के 2 प्लेयर नॉकआउट एक खत्म हो चुका है और यहाँ पर किल कंफर्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। गॉडलाइक के प्लेयर्स भी इस रस्ते में यहाँ पे आते हैं और एग्जिस्ट ने यहाँ पे पैन से सूर्योपी को मारा, 420 भी आते हैं, जेनोसाइड की डीडी को पिक ऑफ करियो जो पहली टीम यहाँ से एलिमिनेट होती है पोचिंग की, जैसे पावन धरती से वो है जेएसएल। अब यहाँ पे जेएसएल निकली है -40 के नेक्सस ओपी है, उनके आसपास सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पर टीम गॉडलाइक के और वो एक ट्रैप बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी प्लेयर ऑफ गार्ड पकड़ेगा उसको पनिश करेंगे, बिकॉज -40 की भी पॉइंट टेबल की बात करें तो बहुत कम पॉइंट्स है, उनके लिए इतना आसान होने वाला नहीं, नेड मारने की कोशिश करेंगे बट डैमेज दिया, बट नेक्सस ओपी को जल्दी रोटेट करना पड़ेगा, काफी जल्दी आ चुकी, एग्जिस्ट भागने की कोशिश कर रहे हैं एंड यस स्प्रे कनेक्ट करेंगे अपनी यूएमपी से, इन्होंने एक और किल कंफर्म करी, पहले नॉक किया फिर किल कंफर्म करी एंड सब कुछ उनके अगेंस्ट में चल रहा है। क्रॉन्टन नॉकआउट है, क्रॉन्टन को बचाना बहुत जरूरी है, स्मोकी इस वक्त नाम से बचा सकते हैं बिकॉज -40 के जो राइवल है वो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, राइवल को पास नहीं आने दे सकते क्योंकि उनका जो एक अकेला काम है वो क्रॉन्टन को मारना चाहते हैं और क्रॉन्टन को अगर बचाती है टीम गॉड लाइक तो काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज क्रॉन्टन भी दिखा पाएंगे अपनी ऑडियंस को कि कितना उन्होंने इंप्रूव किया है और ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर वो कितना परफॉर्म कर सकते हैं। बट फिलहाल यहाँ पे गिल जा चुके हैं उनको रिवाइव देने के लिए, उनका तीसरा नॉक अभी देखने को मिला है, अभी अब नीचे दूसरा नॉक है, तीसरा भी बहुत ज्यादा ब्लीड आउट करता हुआ नजर आएगा, बट यहाँ पे होपफुली वहां पे हो नहीं तीसरी बार नॉक, बट फिलहाल -40 के कारण राइवल वो लोग क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मोकी वो स्टेयर होल्ड कर रहे हैं, जैसे ही राइवल ऊपर आएंगे उनको दिक्कत देंगे, बट वहां पे गिल वहां पे 1 HP हो चुके हैं, बट पीछे स्मोकी ना के उनको कवर फायर दिया, गिल यहां पे फिनिश करेंगे उन्होंने अपनी आपको हील करेंगे, कॉर्डल स्मोकी ओपी की डोमिनेशन आती हुई, 3 किल्स उन्होंने बैक टू बैक निकाली है इस वाली फाइट में और यहां पे देखो पोचिंग के में गॉड लाइक क्या ही खेलते हुए, चारों प्लेयर जिंदा है एंड 6 किल वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं पोचिंग के में एंड अभी फर्स्ट फेज क्लोज इन होता हुआ नजर आएगा 5.5 मिनट में, गॉड लाइक 6 किल्स दे आर प्लेइंग overpowered over here, but ऐसे भी चीज का वीरू अपनी बाइक में मेरी ख्याल से उसको स्टंट यहाँ पे दिखाना ऑडियंस को ज्यादा पसंद है as compared to Fraggy. खुश है वो अभी उसको अपने ग्रुप स्टेजेस के दिन याद बट अभी ग्रुप स्टेजेस के बात नहीं है बट वो भी बात करो कि अभी जब PMPL के लिए जब वो जाएंगे अगर आप होपफुली वहां पे क्वालिफाई होंगे हमारे PMSO के रीजनल के बाद तो वहां पे प्लेयर्स जो उन्हें उड़ाएंगे वो एक अलग ही वीडियो हमने देखा है। हाँ हमें काफी बार देखा है कि जो महफिलें होती हैं आउट गेम वहां पर वीरू हमेशा विक्टिम बने होते हैं और स्पेशली मवीज
स्काउट मिलकर ऐसे प्लेयर्स को ढूंढ के हरास करते हैं। बट यस, वो भी अपने एक दोस्ती का पार्ट है, उनका अपनी एक मजा आता है उनको आपस में ऐसे टाइम निकालने में, बिकॉज ये काफी अच्छा इज्जत कमाई है भाई, प्रो लीग के अंदर क्वालिफाई होंगे तो अच्छा लगेगा। मैं चाहूंगा कि सेवन सीज हो, बिकॉज एक नई टीम जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक चार नए प्लेयर आपस में खेल रहे हैं, सो एक बड़ी बात है। और बड़ी कम समय था जब उन्होंने फाइनल बॉस की सर्विसेज ली हैं और फाइनल बॉस के अंडर दे आर प्लेइंग वेरी गुड, तो एक वो भी बहुत बड़ी बात है। और हिरेंद्र जैसे जैसे जो ओनर्स हैं इनके लिए भी बहुत बड़ा सपोर्टिव रहता है। और सिर्फ 16 टीमें जो कि हमारी इंडिया रीजनल फाइनल्स खेलेंगी 22 और 23 फरवरी को, सो 3 दिन का एक अच्छा एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा प्लेयर्स को वापस से स्ट्रेटेजाइज करने के लिए कि कौन सी और 15 टीम है। जैसे मैं अगर गॉड लाइक हूं या तो एक्स वाई ज़ेड में, अगर मान लो सेवन सीज हूं या तो मैं मार्कोस गेमिंग हूं, तो मेरे सामने जो 15 ओपोनेंट टीम होगी उनको मैं अच्छे से रीड कर सकूंगा, क्या वो मेरी रोटेशन में आती है, क्या मेरे को सेवरनी से रोटेशन डालनी चाहिए, बिकॉज वहां पे सेवन सीज होती है। इनसीड का स्क्वाड जैसे जॉर्ज पोल कंटेनर्स वहां पे वो लोग प्रेफर करते हैं, उनकी रोटेशन अलग ही, टीम लोग बहुत ज्यादा पैसिव खेलना पसंद करते हैं। सर्कल देखते हैं मिल्टा पावर लिपोप का, बीबी सर्कल के अंदर नेक्स्ट सर्कल बताता है कि यूनिफॉर्म करता है या हार्डशिप लेता है। अगर यूनिफॉर्म करता है देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे ज्यादा सेफ मुझे लगता है कि टीम ओआर है, उसके साथ टीम नंबर 11 है जो मैंशन में है, और जितनी भी टीम्स क्लस्टर मिड पे बना के बैठी हैं उनको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज सबके पास डेडिकेटेड कंपाउंड्स है। एमवाईएम एंड एस्टेक पे सबसे ज्यादा नजरें होंगी, बिकॉज एक तरफ कुआ है तो एक तरफ ढेर सारा पानी, मतलब इसे आई डोंट नो मैंने क्या बोला, बट इसे कि एक तरफ खतरा है एक तरफ सब कुछ सही है। तो एस्टेक अभी तक बिल्कुल सही वाली सिचुएशन में, 119 पॉइंट्स है उनके पास और उनके पास किल्स भी अभी तक पता नहीं कितनी। आप यहाँ पे देखो एस्टेक ईस्पोर्ट्स, इनको भी अच्छे खासे पॉइंट कलेक्ट करने की जरूरत है, बट वहाँ पे प्लेयर एल्फ के मैट वहाँ पे उतरे हैं व्हीकल से, एक मेरे ख्याल से एक अच्छा वहाँ पे डिसीजन था, बिकॉज गिल अगर उनको चेस करते और थोड़ी देर तक तो वहाँ पे मैट नॉक एंड फिनिश होते हुए नजर आते, बट यहाँ पे ओपन में नॉक डाउन होते तो फिनिश भी हो जाता, बट फिलहाल अभी भी ओपन में ही प्रोन डाउन है। अगर फर्स्ट अगर वहां पर अगर ऊपर से देखें एडीएस लगा के तो वहां पर शायद से मैट स्पॉट डाउन हो गया वापस से, बट उनके पास यूएस थी, ही विल फॉल बैक इंस्टेंटली। स्मोकी ने वहां पे वापस से 3x से देखा, बट वहां पे कोई प्लेयर वहां पे था नहीं, मैट निकल चुका था अपनी यूएस लेके, बट फिलहाल अभी देखो आगे मैच में होता क्या है। 13 मुश्किल हो सकता है टीम मेहम के लिए, बिकॉज अभी फिलहाल उन्होंने एक भी किल नहीं लिया है, और बाद में इतना क्लस्टर बनता है कि आपको बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं फिर भी बोलूंगा कि अभी किल पे ना जाए, अभी नॉर्मल खेले, बट वहीं पे गॉर्डन ने काफी अच्छी शुरुआत करी है, जेएसएल को निपटा के आ रहा है, -40 की काफी सारा किल्स उठाई है, टोटल 7 किल्स ऑलरेडी उनके पास, फाइनल में काफी अच्छा खेला। बट अगर अभी एक अच्छा चिकन रन निकालते हैं 30-35 किल्स के साथ, कुछ फर्क में आ सकता है। अभी जिस वेयरहाउस के जस्ट सामने एमवाईएम ने बहुत ही गलत डिसीजन मेकिंग करी है, क्योंकि वो ओपन में है, उनके लिए बचना जरूरी होगा। टेम्पस यहाँ पे करारा तमाचा लगाया है, यहाँ पे नोवा को मार गिराया यहाँ पर, और उनकी किल भी कंफर्म होगी, क्रिटिको 7 ने यहाँ पे किल कंफर्म करी, मतलब यहाँ पे टेम्पस ने नॉक किया, जो फल खाया वो जेनोसाइड के प्लेयर्स ने खाया, एंड यहाँ पे जो शेडो है वो भी मर चुके हैं गाड़ी से, और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में एमवाईएम के लिए ये एक परफेक्ट गेम चाहिए था। एमवाईएम 98 पॉइंट्स पे थी, उनको 23 से 24 पॉइंट्स चाहिए थे यहाँ पर स्लॉट कंफर्म करने के लिए, बट अभी की हालत देख के लग रहा है कि एमवाईएम का सफर अभी खत्म हो जाएगा, और वहीं पे एस्टेक इस वक्त सेलिब्रेट कर रही होगी क्योंकि एमवाईएम से थ्रेट था और एमवाईएम के दोनों प्लेयर ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुके हैं। अब क्लोक और बिलीव को ही गेम में आगे बढ़ना पड़ेगा। आतंकी ने यहाँ पे नॉक किया एलिमेंट्स के गब्बर को, सेल्ट ये जो अभी बेल्टा से फायदा उठा रही है सामने वाले फुटओवर ब्रिज की तरफ और साफ शूट कर रहे हैं, तो उनको माना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। यहाँ पे क्लोक एंड बिलीव वो बिल्कुल स्टैकअप करें, और एक कंपाउंड दूर यहाँ पे टीम गॉड लाइक है, वैक्सी ने यहाँ पे करारा शॉट लगाया 420 ओपी, पट शेट शॉट लगाया यहाँ पे 420 के, काफी बड़ा सेटबैक रहेगा। और अब एक्जैक्टली 2 से 3 सेकंड बाद हमें एक नया सर्कल देखने को मिलेगा, क्या ये यूनिफॉर्म होगा या हार्डशिफ्ट होगा। हार्डशिफ्ट हुआ, टीम मिल्टा को थोड़ा सा फेवर कर रहा है यहाँ पर, वो जो भी टीम्स है जैसे स्नाइपू की बात करें यहाँ पे टीम एल्व्स की, टीम 6 जो हमारी आती है, टीम एलिमेंट्स क्लाउनी की जो टीम है हमारी वो भी सपोर्ट में। आतंकी ने एक और नॉक दिया है यहाँ पर, इससे पहले उन्होंने एक नॉक दिया था गब्बर को, अब अल्ट्रॉन को नॉक दिया है। जैसे भी वो एक मोमेंट के लिए भी थोड़ी पीक चेंज करेंगे ऑब्वियसली फर्क आएगा, बिकॉज मिल्टा से काफी ओपन एरिया होता है जहां से आप सामने वाले को शूट कर सकते हैं। दे आर जस्ट रोटेटिंग एंड शूटिंग, एयर ड्रॉप 4 भी आ चुका है, ग्रोजा है 7.62 की 60 बुलेट है, यहाँ पे सप्रेसर भी मिला है, साथ साथ लेवल 3 की किट है। फाइनली गाड़ियां चल रही है, बीच में डकी ने यहाँ पे वीरू को फिर से नॉकआउट कर दिया, हमारे सेटन भी नॉकआउट हो चुके हैं, आस्टेक के वीरू का किल कन्फर्म हुआ, M249 से वैम्पायर ने यहाँ पे गॉडल के एग्जिस्ट को नॉकआउट कर दिया, आईकी वहां पर सेल्स के डॉक ने एक शानदार नॉकआउट दिया, इनसेन के लेजेंड को नॉकआउट किया, गिल ने यहाँ पे मवी का किल कन्फर्म किया, एंड अभी जो टीम जिंदा है और चारों प्लेयर के साथ टिकी भी है वो गॉड लाइक। बट एक अच्छी सिचुएशन ये दिख रही है मुझे यहाँ पर कि जो एग्जिस्ट है यहाँ पे अपनी येलो एम्बेसडर चला रहे हैं, काफी अच्छी गाड़ी लगती है देखने में, और रिसेंटली अभी मार्केट स्टोर में भी काफी सस्ती यूसी में मिल रही थी, तो जिसने भी खरीदी होगी अच्छी किस्मत हो सकती है उसकी। गॉडल ने अपनी गॉडल के गिल जो है हमारे DP28 से डैमेज देने की कोशिश करी थी, बट एंटो स्प्रे मिस ना करते हुए गिल को यहाँ पे नॉकआउट किया, अब देखते हैं कैसे वो आगे बढ़ते हैं। फिर भी एक अलग ही फाइट देखने को मिल रही है, इट्स गॉडलाइक बिटवीन ओआर एंड वहां पे गिल और एग्जिस्टेंस नॉकआउट हो चुके हैं। स्मोक
लुकी और क्रॉन्टन यहाँ पे बचे हैं, कैरी नहीं खेल रहे, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, और कैरी के ना खेलने पर भी और क्रॉन्टन के साथ खेल पे 8 किल तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर ये गॉड लाइक टीम चिकन डिनर जीत जाती है तो भाई दिल से गॉड लाइक स्पैम हो जाना चाहिए चैट में गाइस। बिल्कुल, यहाँ पे क्रॉन्टन के एक मैच में वापस आते ही वहां पे चिकन डिनर निकाल लिया उन्होंने, अगर तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। बट यहाँ पे जोन किसी को भी फेवर नहीं कर, अगर आप यहाँ पे देखो तो गॉडल भी वहां पे एज पे है, बट यहाँ पे एक्सोटिक ने इस वाले मैच में एंड गॉडल का स्क्वाड जंप कर करके अभी अंदर आ रहा है जोन में एंड ढूंढ रहे कि है कहाँ पे प्लेयर्स एग्जिस्टेंस। यहाँ पे प्लेयर एंटो जो है उनको फिनिश कर रहा, बट यहाँ पे 7 सीज भी एलिमिनेट होते हुए 4 किल्स के साथ एंड 6th प्लेस पे एंड एग्जिस्टेंस की यहाँ पे डोमिनेशन दिखती हुई 3 किल्स आप देख सकते हो वहां पे अपनी स्क्रीन पे एंड ओवर दलजी सामने प्रोन डाउन है। क्या यहाँ पे एग्जिस्टेंस लॉकडाउन हो सकता है, बट यहाँ पे ये 2 प्लेयर लॉकडाउन, एग्जिस्टेंस ने वापस से उसको फिनिश करा, बट यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रोन डाउन एंड गेम प्ले देखने को मिला। अगर एग्जिस्टेंस भी वहां पे फिनिश हो जाते तो वहां पे जो दलजीत का 1v4 होना कंपल्टर में एक एयर ड्रॉप आया है। सिल्ट का स्क्वाड 4th प्लेस पे 4 किल्स के साथ खत्म एंड गॉडल का स्क्वाड 13 किल लेके अभी भी जिंदा है। सो गॉडल किसी भी टाइम पे यहाँ पे इनको आगे जाना पड़ेगा, बट मेगा का स्क्वाड इनको भी रोटेशन डालनी है, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड से ही एक पॉसिबिलिटी है बट राइट हैंड साइड से गए तो दिक्कत होगी। बट वहां पे लाइव क्राफ्ट का स्क्वाड इस वाले मैच को चिकन डिनर निकालने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट रहेगा, बिकॉज उनके ऊपर जोन है बट उनके 2 प्लेयर नॉकडाउन है अभी फिलहाल, उनको रिवाइव देना पड़ेगा। दो दो प्लेयर साइमल्टेनियसली 2 प्लेयर को रिवाइव दे रहे होंगे, बट फिलहाल एग्जिस्टेंस यहाँ पे इनको मेगा स्क्वाड को भी संभालना है और लाइव क्राफ्ट को भी, बट लेफ्ट हैंड साइड से रोटेशन डालेंगे तो ही ईजी होगा। यहाँ पे विलेन थोड़ा सा गेट कीप कर रहे हैं ताकि गॉर्डन के प्लेयर इतना जल्दी पुश ना करें, बट एग्जिस्टेंस वो उनको गॉड रोक सकता है। सबसे आगे जा रहे हैं एंड सामने का स्प्रे ट्रांसफर करेंगे, अभी भी उस व्हीकल के पीछे 3 प्लेयर हैं, ग्रेनेड अगर डाल तो पूरा स्क्वाड वहां पे फिनिश हो जाएगा, बट ये स्किन हमारी डासिया की कुछ अलग ही है। आगे जाके कवर बनाना पड़ेगा इन लोगों को बिकॉज जोन अब चलना स्टार्ट हो चुका है, 8वां फेज बनता हुआ नजर आएगा हमें। बट वहां पे उसी टाइम क्रॉन्टन नॉकडाउन होते हुए मेगा के वेक्सी वो बिल्कुल सेंटर में रोटेशन डाल रहे हैं सीधा और लेफ्ट हैंड साइड से वापस से थोड़ा सा जाते हैं, बिकॉज उनको पता है और प्लेयर वहां पे प्रोन डाउन हो गए। बट यहाँ पे ग्रेनेड्स का थोड़ा सा बेटर यूज हो सकता है, यस ग्रेनेड्स के यहाँ पे यूज देखने को मिल रहे हैं, थ्रोएबल्स यहाँ पे अनलिमिटेड होंगे बिकॉज यहाँ पे क्रॉन्टन को यहाँ पे फिनिश करा वापस। अब 3 या 4 प्लेयर और बचे हुए हैं सामने, 3 प्लेयर है गॉडल के और विलन भी यहाँ पे उसी वाले रिज में है, बट वहां पे वापस से लाइफक्राफ्ट का स्क्वाड का 1 प्लेयर नॉकडाउन, बट एग्जिस्टेंस भी नॉकडाउन होते हुए वापस से गॉड लाइक के लिए वापस से दिक्कतें बढ़ती हुई। गॉडल के गिल वहां पे नॉकडाउन, बट वहां पे नीचे से लाइफक्राफ्ट के नूब बाइटी विलन उन लोगों ने स्पॉट करा ऊपर मेगा स्क्वाड को, लाइफक्राफ्ट का स्क्वाड 1-sidedly निकाल के जाता हुआ, बट इस टाइम पे गिल के लिए 1v4 सिचुएशन है। एक्सोटिक को अपने आपको हील कर लेंगे बट गिल के लिए यहाँ पे कोई रिवाइव नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे इसी एक टाइम पे क्या गॉडल गिल यहाँ पे 1v3 कर सकते हैं। एक्सोटिक तो बहुत पीछे है, अपने आपको हील करना पड़ेगा उन्हें सबसे पहले, बट यहाँ पे स्मोकी को रिवाइव देंगे, बट एक ग्रेनेड यहाँ पे गॉडल का पूरा खेल तमाम कर सकता है। बट यहाँ पे 14 किल वो लोग ले चुके हैं, 2nd प्लेस में भी उनको 14 पॉइंट मिलेंगे अगर 2nd प्लेस लेते हैं तो 28 पॉइंट भी सफिशियंट रहेंगे उनके लिए। बट यहाँ पे एक्सोटिक को नॉकडाउन करा गिल ने वापस से, ही इज गोइंग लीथल इन दिस मैच, बट विलन वहां पे प्रोन डाउन है, किसी भी टाइम पे गॉडल गिल को वो स्पॉट कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसिव खेलना पड़ेगा यहाँ पे, या तो ग्रेनेड्स या थ्रोएबल्स का गेम है यहाँ पे, अगर मॉली या ग्रेनेड्स यहाँ पे है तो आप फेंक सकते हो, बट वहां पे स्मोकी को नॉकडाउन करा गिल यहाँ पे 1 HP है, विलन ने अपना काम कर दिया है, अब बस पुश करने का टाइम है जहां पे स्मोकी को वापस से अब रिवाइव नहीं मिल सकता। गिल ने अपनी फर्स्ट एड पॉप करी, 1v2 सिचुएशन है, क्या एक स्प्रे में यहाँ पे निकालेंगे गिल, यहाँ पे पूरा के पूरा खत्म होते हुए नूब वाईटी ने यहाँ पे ये वाला गेम खत्म करा एंड क्या ही मैच निकाला है। अगर आप देखो तो 15 किल्स यहाँ पे शायद से निकाली है, 15 किल चिकन डिनर बेहतरीन एंड गॉडल भी क्या कमबैक करा उन्होंने।